भाइयों और बहनों, विकास और सुशासन के मूल में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास है। विकास हो दलित, पीड़ित, शोषित, वंचित नौजवानों का, महिलाओं का, सबका विकास हो, कोई न पीछे रहे, न ही किसी से भेदभाव हो, इसी सोच के साथ एनडीए सरकार काम कर रही है। भारत को आत्मनिर्भर भारत बनाने में जुटी है। साथियों, इसमें देश की, बिहार की महिलाओं, बहनों, बेटियों की भी बहुत बड़ी भूमिका है। एनडीए सरकार चाहे केंद्र में हो या बिहार में, महिला सशक्तिकरण के अभूतपूर्व प्रयास चल रहे हैं। बेटियों की पढ़ाई, दवाई से लेकर कमाई तक एक के बाद एक कदम उठाए गए हैं। मिशन इंद्रधनुष हो, पीएम सुरक्षित मातृत्व योजना हो, आज गर्भवती महिलाओं के पोषण से लेकर टीकाकरण के लिए सरकार हर जरूरी मदद दे रही है। साथियों, बिहार में 4.5 करोड़ से ज्यादा जनधन खाते खोले गए, उसमें से 2.5 करोड़ से ज्यादा खाते हमारी माताओं बहनों के नाम है। बिहार की इन बहनों के जनधन खातों में कोरोना लॉकडाउन के समय सैकड़ों करोड़ रुपए की सीधी मदद पहुंचाई गई है। बिहार में जीविका दीदियों के लिए बैंकों से मिलने वाली मदद का भी विस्तार किया गया है। इस वजह से जीविका दीदियों का नेटवर्क दिनों दिन और मजबूत हो रहा है। भाई और बहनों, हाल में जो श्रम सुधार किए गए हैं, उसमें देश की महिला श्रम शक्ति के लिए काम के सभी क्षेत्रों को पूरी सुरक्षा के साथ खोल दिया गया है। महिलाओं को पुरुषों के बराबर मेहनताने का कानूनी अधिकार सुनिश्चित किया गया है। बिहार में श्रमयोगी पेंशन योजना के तहत लगभग 2 लाख श्रमिक साथी जुड़ चुके हैं। इसमें से भी लगभग 70,000 बहनें हैं। मुद्रा योजना में बिहार में 4 लाख से ज्यादा बिना गारंटी के ऋण आवंटित हुए हैं, जिसमें से लगभग 2.5 लाख बिहार की महिला उद्यमियों ने लिए हैं। देश के विकास में, बिहार के विकास में बहन बेटियों की इस भागीदारी को हमें मजबूत करना है।